हाय गाइस, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं लकी यूट्यूब चैनल। आप लोग जब अपने मोबाइल के शटर को डाउन करते हो उस टाइम देखा होगा सिंक का ऑप्शन। सिंक क्या है, सिंक किस लिए यूज करा जाता है, सिंक को कौन कौन लोग यूज करते हैं, आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। सिंक क्या है, सिंक का फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हो उसकी कॉन्टेक्ट नंबर या कोई भी डेटा को ऑनलाइन किसी जगह पर रखना चाहते हो तो उसको प्रोसेस करना ही काम है सिंक्रोनाइजेशन का। अब बता दिए सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है। आप लोग स्मार्टफोन में अपनी जीमेल आईडी को तो डाल के रखते ही होंगे। उसी जीमेल आईडी के एक स्टोर होता है, उसी स्टोर में जाके आपके डेटा स्टोर होता है। अगर आप लोग कोई माइक्रोसॉफ्ट की डिवाइस यूज करते हो तो उसके लिए आप लोगों को वन ड्राइव की ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप लोग कोई आईफोन यूज करते हो तो उसके लिए आप लोग को क्लाउड का ऑप्शन मिल जाते हैं। इस सब का प्रोसेस कुछ एक ही तरह होता है। अब बात आती है क्यों हम लोग अपनी डेटा को ऑनलाइन स्टोर करके रखना चाहिए। इन केस आपकी मोबाइल कहीं खो गया या टूट गया या खराब हो गया, उस टाइम आप नया कोई डिवाइस लेते हो उसमें अपनी पुरानी ईमेल आईडी या पासवर्ड को लॉगिन करो। आपकी पुरानी सारे डाटा या अपने कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी डाल के रखे थे सब मिल जाएगा आपके नए डिवाइस में। इस तरह काम करता है सेंट्रलाइजेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।